गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर एसएससी में आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं। रीजनिंग के जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो दोस्तों आपका एग्जाम एसएससी के किसी भी ग्रुप का हो, चाहे आपका रेलवेज का हो, आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो। दोस्तों ये सेशन आपका डेली होता है, मंडे टू मंडे डेली सुबह 6:30 बजे। चलिए बिना देरी करें दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों क्या आएगा, जल्दी से दोस्तों। हर क्वेश्चन में आपको 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मॉडरेट लेवल ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों, जब भी दोस्तों सीरीज छोटी बड़ी चले दोस्तों, तो अल्टरनेट नंबर देखा करना है, ठीक है दोस्तों। जो नंबर हमें फाइंड करना है उसके अल्टरनेट मैंने देखा, तो ये अल्टरनेट नंबर चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 2+2 4, तो 4+2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, 6+2 8 और 8+2 10। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए, 2 बजे और 3 बजे के बीच एक घड़ी की सुई 2 बजकर कितने मिनट पर एक जगह मिलेंगी। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का अच्छा क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए। उन्होंने क्या कहा है, एक जगह मिलेंगी, यानी दोस्तों दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होंगी, तो आपका कोण कितना बनेगा दोस्तों, 0 डिग्री का बनेगा दोनों सुइयों के बीच, ठीक है। इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करते हैं, आपके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या बज कर 60/11 गुणे समय, ठीक है। ये दोस्तों आपका कब लगेगा, जब सुइयां एक जगह पर मिलेंगी, ध्यान रखिएगा सिर्फ इसी कंडीशन में मिलेगा जब एंगल आपका 0 डिग्री बन रहा होगा। तो दोस्तों कितना बज रहा है, 2, ठीक है। 60/11 समय कितना लेंगे दोस्तों, जो आपका स्टार्टिंग टाइम होता है, सॉल्व कर लीजिए दोस्तों कितना हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 का दोस्तों 11 में भाग देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 सही 10/11, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी है, दूसरे फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। वो दूसरा फॉर्मूला दोस्तों क्या है, एक्स बजकर, ठीक है दोस्तों याद रखेंगे, एक्स बजकर 5x±d 12/11 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये आप किसी भी तरीके क्वेश्चन आए दोस्तों उसमें भी रख सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो दोस्तों कितने बजकर पूछ रहे हैं, वो 2 बजकर, ठीक है, 2 बजकर पूछ रहे हैं, ठीक है। 5 की जगह दोस्तों रखेंगे हम 2 की वैल्यू, ठीक है। प्लस और माइनस डी, दोस्तों क्या होता है, अगर दोस्तों आपकी सुइयां आपस में मिलेंगी तो डी बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी सुई संपाती होंगी यानी कोण बनाएंगी, तो दोस्तों आप डी की जगह क्या रखेंगे, 15 रखेंगे। अगर दोस्तों आपकी सुइयां, ठीक है, विपरीत दिशा में या सीध में होंगी, तो डी बराबर आप लोग क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। ये कंडीशन याद रखिएगा दोस्तों। तो आपकी सुइयां क्या मिल लेंगी, एक जगह पे मिल लेंगी, तो डी बराबर क्या रख देंगे हम, 0, 12/11। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, तो 5 × 2 = 10, 10 12/11, तो दोस्तों वही चीज़ आ जाएगी, 120/11। जब आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 10 सही 10/11 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तीनों कंडीशन आप लोग याद रख लेंगे अगर ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों प्लस माइनस का भी सिस्टम समझ लीजिए दोस्तों, वैसे तो आप बेसिकली प्लस ही करेंगे दोस्तों, जब भी डी की वैल्यू आपकी 60 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, आपके नेक्स्ट सेशन में हर डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों, तो ये 4 दिया है, ये 16 दिया है, ये 11 दिया है, तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है दोस्तों। 4 को एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, ठीक है। 16 दोस्तों किसका वर्गमूल है, 4 का, तो 4 और 4 दोस्तों कितने हो गए, 8 में अगर दोस्तों हम 3 जोड़ दें तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 11। इसी प्रकार से दोस्तों आपका क्या दे रखा है, ये 36 दोस्तों किसका वर्गमूल होता है, 6 का, तो दोस्तों 6 और 6 12 होता है, 12 में अगर दोस्तों हम 3 जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 15।
इसी प्रकार से दोस्तों 9, ठीक है, 81 दोस्तों किसका वर्गमूल होता है 9 का, तो दोस्तों 9 9 9 कितने हो जाएंगे आपके 18, और 18 प्लस 3 दोस्तों कितना होता है 21, ठीक है। तो इधर का दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा 21, ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा लॉजिक लग रहा है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सुबह के समय अरुण सड़क पर खड़ा है, ठीक है, और पाता है कि उसकी छाया उसके पीछे है, तो उसके दाहिने ओर कौन सी दिशा होगी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, पूरब से निकलता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये सूरज लिख लेगा, तो दोस्तों उसकी छाया कहाँ पड़ रही है, पीछे की ओर, यानी दोस्तों उसका फेस किस तरफ होगा, पूरब की तरफ होगा, तो दोस्तों उसका दाहिना हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, साउथ में होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया था, आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ठीक है, शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। और उस संख्या को चुनिए जो सेट से अलग है, बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, जल्दी से बताइए, आंसर करिए दोस्तों जल्दी से क्या होगा। तो दोस्तों 81 भी आपका दोस्तों 3 से डिवाइड हो जाएगा, 69 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 21 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 83 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए दोस्तों, श्रृंखला में कौन सा गलत पद है, बताइए दोस्तों कौन सा टर्म गलत है, जल्दी से आंसर करिए, 20 सेकंड का समय है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी जल्दी दिमाग चलाइए क्या आंसर होगा आपका, जल्दी से दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 × 3 करते हैं दोस्तों और -1 करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 2, इसी प्रकार से दोस्तों 2 × 3 − 1 क्या कर देंगे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 5, इसी प्रकार से दोस्तों 5 × 3 − 1 तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा 14, इसी प्रकार से दोस्तों 14 × 3 − 1 कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा 41, इसी प्रकार से दोस्तों 41 × 3 − 1 करेंगे दोस्तों तो आपका क्या आना चाहिए था 122, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको क्या दे रहा है लास्ट में 124, तो यही आपका टर्म गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से आंसर करेंगे, जिस प्रकार सुई घड़ी से संबंधित है उसी प्रकार दोस्तों पहिया किससे संबंधित होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों सुई किसके अंदर रहती है, घड़ी के अंदर, तो दोस्तों पहिए किसके अंदर रहेंगे, वाहन के अंदर, ठीक है, सीधी सीधी सी बात है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 उस युग्म को चयन कीजिए जो अन्य युग्मों से अलग है, बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा अलग है, जल्दी से आंसर करिए, बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा अलग है। तो दोस्तों वायु के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन, फूल के अंदर दोस्तों क्या होती है, पंखुड़ी, कपड़े के अंदर दोस्तों क्या होता है, धागा, शर्ट के अंदर क्या टाई हो सकती है, नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का, एक घन में उसके फलकों पर 1 से 6 तक अंकित हैं, संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, बताइए दोस्तों, यानी 6 का अपोजिट आपको बताना है, जल्दी से आंसर करिए, 6 के अपोजिट दोस्तों कौन सा होगा बताइए। तो दोस्तों गौर से देखिए फिगर 2 और फिगर 4 को, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों अगर किसी भी पासे में 2 अंक समान हैं, जो अंक बचते हैं दोस्तों वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत, ठीक है, तो 6 के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम और एन दोस्तों क्या है, बहने हैं, एम और एन क्या है दोस्तों, बहने हैं, और एक्स और वाई क्या है दोस्तों, भाई हैं, एक्स और वाई दोस्तों क्या हैं, भाई हैं, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव फीमेल को डिनोट करेगा, पॉजिटिव मेल को डिनोट करेगा, तो उन्होंने क्या कहा है, एम वाई की माता है, जो एम है वाई की माता है, ठीक है, वाई की माता है, तो उन्होंने ये पूछा है, तो एन एन एक्स से क्या रिश्ता रखता है, जल्दी से बताइए, एन एक्स से क्या रिश्ता रखेगा दोस्तों,
तो जो एन है एक से क्या रिश्ता रखेंगी, मौसी का रिश्ता रखेंगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आंटी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आए दोस्तों, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। और सेशन की PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।